वरम श्रीरूपानुग प्रवरम ब्रजरसरसिकं चानदायनं तं प्रपन्नं श्रीगुरुचरणं वन्दे रमणपृष्ठाय भूतले रूपानुग भक्तिरं च कृपामूर्ति नारायणं नमो विष्णुपदाचार्य सिंह रूपिणे श्रीश्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशवाय दिनामिने अतिमच्चरित्र स्वास्थ्यं च पालिने जीवदुःख सदाताय श्रीनाम प्रेमदायिने नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्री वर्षभान देव दयितया कृपन्वये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्योज्ज्वल प्रेमाद्य श्री रूपानुग भक्तिना श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धापसिद्धांत ज्वंतहारिणे नमो गौर किशोरय सक्षर वैराग्य मूर्तये विप्रलंबर संबोधे पादं भुजयते नमः नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपा रूपानुग वदायते गौर विर्भाव भूमिस्त निर्देश सज्जना प्रिया वैष्णव सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुमेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अपने परम आराध्य श्री गुरुपाद वर्मा और मिष्टपा शिष्यमय भक्ति वृंद नारायण गोस्वामी चरण कमलों में सस्त अनंत कोटि सस्तम नंद्र प्रणाम ज्ञापन करता हो। तत्पश्चात अपने श्री रूपानंद गौरी गुरुवार के चरण कमलों में अनंत कोटि सस्तम नंद्र प्रणाम ज्ञापन करता हो। तत्पश्चात उपस्थित वैष्णव वृंद वैष्णव मंदिर के चरणों में सस्तम नंद्र प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। आज बहुत ही शुभ दिन, आज जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी का तिरुभाग तिथि है। जगन्नाथ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद गौर पार्षद है। हमारा गुरुवर्ग में भागवत गुरु परंपरा एक अन्यतम आचार्य है। वो श्री भक्तिनाथ ठाकुर का मनोविष्ट स्थापक है। भक्ति विनोद ठाकुर कौन थे? वो भी राधा कृष्ण का नित्य परिहार कमल मंजरी। उन्होंने इस संसार में भक्ति के जो शुद्ध भक्ति का जो धरा उसका उसने दोबारा लाया। भक्ति विनोद ठाकुर के समय में सब लुप्त हो गए थे, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर अपना आचरण अपना ग्रंथों के प्रकाश के माध्यम से शुद्ध भक्ति दोबारा उस संसार में प्रवाहित किया। लेकिन भक्तिमन ठाकुर बहुत सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने एक आशा थे कि महाप्रभु जो मनोविष्टा पृथ्वी आच्च जतरा नागारि नाम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम, इस भविष्यवाणी को पूरा करना है। भक्तिमन ठाकुर ने बहुत प्रयास किया, लेकिन अपने जीवन अपने समय इस काम को पूर्ण रूप में कर नहीं पाया। इसलिए उन्होंने विमला देवी को जगन्नाथ जी का प्रार्थना किया, आप अपने परिकार को नित्य परिकार को भेज दीजिए और इस कार्य में आपको काम पूरा करने में मुझे एक सहायता चाहिए। फिर उन्होंने अपना पुत्र के रूप में विमला प्रसाद प्रभुपाद जी को भेजा। मतलब वही कमल मंजरी का अंतरंग शैली का नायन मणि मंजरी वही भक्ति में ठाकुर के घर में उत्पन्न हुआ। इसलिए शास्त्र में लिखा है उत्कले पुरुषोत्तम है कि उत्कल देश में एक महान पुरुषोत्तम पुरुषों में पुरुषों से जो उत्तम व्यक्ति उत्पन्न होगा वही सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी थे। और उन्होंने सचमुच भक्ति में ठाकुर महाप्रभु का सारे इच्छा को पूर्ण किया। आज जो आप दिख रहे हैं संसार में ये जितने गौड़ीय मध्य है जितना इस्कॉन हरे कृष्ण का जो प्रचार ये सब भक्ति विनोद ठाकुर का
इच्छा से और प्रभुपाद जी की कृपा से ये हुआ। ये तो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थे, लेकिन इस काम को किसने पूरा किया? ये प्रभुपाद जी ने किया, क्योंकि प्रभुपाद जी ने 64 गौड़ी मठ स्थापना किया पूरा इंडिया में, फिर विदेश में भी अपना सेवकों को भेजा। शिला स्वामी प्रभुपाद जी जो इसका स्थापित किया अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना में अष्टरंगीय संघ, जो इसकोन ये कौन प्रभुपाद जी के शिष्य थे। और इंडिया में जितने प्रचार हुआ गौड़ीय मठ में जो आज कल दिख रहे वो सब प्रभुपाद जी का गान थे जिसने किया। प्रभुपाद जी ने इस जो पहले प्रभुपाद जी के भक्ति नेताओं के समय में ये मठ मंदिर ये सब नहीं होता था। बाबा जी लोग अपने गांव में किसी पेड़ के नीचे किसी गुफा में इधर उधर भजन करते थे, एक छोटा सा भजन कुटीर में होते ना बहु डगे कुटी कच्चा कुटी चगा हंस परम हंस ऐसा अकेले भजन करते थे, कोई ऐसे प्रचार भी नहीं था। प्रभुपाद जी भक्ति नगर का इच्छा के अनुसार मंदिर स्थापना किया, मठ स्थापना किया। मठ का अर्थ क्या है? परमार्थिक अध्यापक, परमार्थिक विद्यार्थी, जिस जगह में ये दोनों सम्मिलित होता है उसे मठ, उस मठ कहते हैं। इसलिए शुद्ध वैष्णव का अनुगत में शिक्षा लेना भजन करना वही स्थान मठ कहते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने क्यों ऐसे किया? उसने एक बार किसी ने प्रभुपाद जी ये प्रश्न पूछा, तुमने क्यों मठ का अर्थ क्या, क्यों तुमने मठ स्थापना किया? फिर उसने स्टोरी कहानी सुनाई, एक एग्जाम्पल सुनाया। एक बार एक चोर था, वो किसी राज्य में चोरी कर रहे थे इधर उधर। तो एक दिन उन्होंने राजमहल में पहुंच गया चोरी करने, तो क्या उन्होंने क्या सुना, राज और रानी दोनों आपस में बातचीत हो रहा था। रानी राजा से कह रहे थे कि अरे हमारे जो बेटी है शादी की उम्र है, कितना उसको उम्र हो गया, दिन ऐसे जा रहे हैं और बाद में उसका शादी हो नहीं पाएगा, इसलिए तुमने बहुत कोशिश की मैं जानता हूँ, लेकिन अब और नहीं इंतजार नहीं करना, कल तुमको किसी को लाना और उसको शादी करवाना, कैसे भी कोई योग्य व्यक्ति को बुलाओ शादी करवा दो, उसको जुगाड़ कर लो कैसे भी। तो राजा ने फिर रानी का शासन सुन के उसने फिर बोला ठीक है कल मैं उधर जाऊंगा पर्वत जो हिल एरिया जहाँ वहां साधु लोग रहते हैं, वहां कोई सच व्यक्ति कोई अच्छे व्यक्ति साधु जैसे कोई मिलेगा जिसका चरित्र ठीक है, पहले जो मुझे मिले पहले व्यक्ति जो मुझे मिल जाएगा मैं उसी को लाके शादी करवाऊंगा। तो चोर इस बात को सुन लिया तो उसमें आइडिया आया, अच्छा पहले व्यक्ति जो नाजन आएगा उसको वो राजकुमार हो जाएगा राज्य में जाएगा, तो उसने साधु वेश पहन के उधर बैठ गया। तो सुबह सुबह राजा आ गया, साधु ढूंढ के उसने चोर मिला साधु के वेश में, फिर उसके चरणों में गिर पड़ा और प्रार्थना करने लगे, अरे साधु महात्मा जी मेरा बहुत एक निवेदन एक रिक्वेस्ट है, तो बोलो क्या, आप आओ मेरे साथ और मेरा राज्य को संभालो, मुझे कोई नहीं दिख रहे है, मेरा कोई संतान नहीं है और मेरे बेटी से आप शादी करो। बोल नहीं मैं ये सब काम नहीं करूंगा, मैं तो साधु हूँ, मैं तो भजन करने के लिए आया, आप जाओ। नहीं फिर राज ने बहुत उन्होंने भी चल गया, नहीं मैंने रानी का पटी के किया है, हमारा राज्य खत्म हो जाएगा है, तुम भी हमारा प्राचा हो, ये भगवान की सेवा के लिए है, बहुत सुना है। फिर ने चोर बोला ठीक है आप तो सच बोल रहे सही बोल रहे, हम भी तुम्हारा प्राचा हो और सचमुच ये भगवान की कार्य भी है, तो ठीक है मैं राज्य हूँ मैं शादी कराऊंगा आपकी बेटी से। तो उसको बुलाया उसको सजाया और उसके धूमधाम उसके शादी होने वाला था। फिर चोर फिर वो आश्चर्यचकित हो गया, ये क्या बात है इतना आसानी से मुझे राजगति मिल गया। फिर उसके मन में ये चिंता आया, अरे
हमने एक दिन खाली सलू बेस पहन के नाटक करके ऐसे अनुकरण करके इमिटेशन करके मुझे राजगति मिल गया। यदि मैं सचमुच साधु बन जाऊंगा फिर क्या मिलेंगे मुझे। जब यह सोच उसके मन में आया फिर उसे सब कुछ छोड़ करके हिमालय चले गए और भजन करने लग गए। मैंने सोचा खाली अनुकरण करने से साधु को चोरी छिपे बन के मुझे राजगति मिला, यदि मैं सचमुच भजन करूंगा तो फिर क्या मिलेगा। तो प्रभुपाद जी बोले देखो इसलिए मत में हम इसलिए इसी कारण स्थापित किया। बहुत लोगों के पास बहुत प्रकार अधिकार है, सचमुच भजन करने का जीवन का अंदर नहीं है, लेकिन हम ये मत स्थापन करेंगे, जीवों को बुलाएंगे और जब जीव मठ में आएंगे वो एक दिन रहेंगे, दो दिन रहेंगे, दस दिन रहेंगे, कुछ तो कुछ तो उसके कुछ कल्याण होगा, कुछ तो कुछ लाभ होगा। और उधर मठ के अंदर उस साधु संघ के भी मिल जाएगा। और एक दिन यह विश्वास उनके अंदर आएगा कि हम तो ऐसे भजन कर रहे सब कुछ मेरे पास आ रहे हैं, लेकिन यार ये हम भी एक दिन भजन करेंगे तो फिर क्या नहीं मिलेगा। इसलिए ये मत हम इसलिए स्थापन करेंगे जीवों के लिए, उनको कल्याण के लिए। कोई भी आया एक दिन यदि रहेंगे मत में उनका कल्याण उनका उद्धार निश्चित है, वो वास्तव में उसका परम कल्याण मिल जाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी कभी लोग बोलते थे क्यों लाल कपड़े दे रहे हो लड़कों को, इसलिए बोले एक दिन यदि कोई साधु वेश पहन के रहेंगे मत में उसका कल्याण आप गिन नहीं सकते, अनंत कल्याण है। इसलिए प्रभुपाद जी इतने दयालु, इतना उसने सिर पर इतना भार ले लिया, 64 मास विदेश में मत कितने कितने लोगों का पालन करना, उसने सब ये भार ले लिया और आदेश दिया अपने शिष्यों को फिटी बच्चे जो तो आज नगर आदि सर्वत्र प्रचार हो ही गए, जाओ जहां जारे देखे तारे को कृष्ण उपदेश हमारा गाय गुरु हो तारे दे, जहां देखोगे जहां जाओगे वहां कृष्ण, जिसको मिलोगे कृष्ण को उपदेश सुनाओ, कृष्ण को कथा सुनाओ, कृष्ण कीर्तन सुनाओ, प्रचार करो। गुरु ये गुरु बनो, गुरु को ये मतलब नहीं है कि गड्डी में बैठ गया और आशीर्वाद देने लगे या दक्षिणा लेने लगे, ये गुरु का अर्थ नहीं है। जो व्यक्ति सोचते हम गुरु है वो तो गुरु नहीं है, गुरु है पतित है। हमारे गुरु वर्ग हमेशा ये के सोचते कि हम श्रीनाल भी सुने, हम एक घास से भी नीच है, ये अभिमान नहीं रहते हम गुरु है, हम भगवान के दास। प्रभुपाद जी अपने शिष्यों से कहते थे दासोस्मी, कोई भी आके प्रणाम करते प्रभुपाद जी वापस प्रणाम करते और बोलते थे दासोस्मी, हम तुम्हारे दास हैं, और बोलते थे तुम हम सब हमारे गुरु हो, हमारे गुरु महाराज बाबा जी महाराज भेजा मुझे सहायता करने के लिए अपने गुरु सेवा में, ऐसे उनका विचार था। इतने दिन ही ये गुरु अभिमान उनका अंदर नहीं था और दीन ही होके उसने इस प्रकार प्रचार किया भगवान महाप्रभु का वाणी सब जगह ने प्रचारित किया। इसलिए गुरु का मतलब क्या है, जो दायित्व लेते हैं वही गुरु है। महाप्रभु का मनोविष्ट पूर्ण करने के लिए दायित्व जो लेते हैं उसे गुरु कहते हैं। महाप्रभु हमारे गुरु वर्ग की इच्छा पूर्ण करने के लिए जो दायित्व लेते हैं उसे गुरु कहते हैं। और जो व्यक्ति दायित्व जीवन में नहीं लेते गुरु जी बोलते थे क्या विपरा पशु, एक पशु के समान है, खाली सिंह पूछ नहीं है और कोई अंतर नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति जीवन में दायित्व लेते हैं वो सच वास्तव में मानव कह सकते हैं, और जो भगवान के लिए दायित्व लेते हैं गुरु वर्ग महाप्रभु का मानव विस्तर पूर्ण के लिए दायित्व लेते हैं उसे गुरु कहते हैं। महाप्रभु कृष्ण संबंध विज्ञान गायने
कृष्ण संबंध विज्ञान, कृष्ण भगवान भगवान से संबंध करा देते हैं। ये गुरु का शक्ति है। जो यदि व्यक्ति जीवात्मा गुरु गुरु के चरणों में पहुंचा नहीं सकते, उसे गुरु नहीं कह सकते। गुरु वो है जो गुरु राधा कृष्ण के चरणों में विराजमान है और आपको वही पहुंचा सकते हैं। श्री प्रभुपाद जी ऐसे परिकरते महाप्रभु का, राधा कृष्ण विशेष परिकर नायनी मणि मंजरी, राधा रानी का किंकरी कलिदासी, प्रभुपाद जी का अनेक अनेक वैशिष्ट, अनेक अनेक महिमा। बहुत गुरुवर्गों ने हम, मैंने एक वैष्णव से सुना, यदि आप हमारे गुरुवर्ग जितना आचार्य एक तरफ रखोगे तो कभी प्रभुपाद जी एक तरफ रखोगे, प्रभुपाद जी का महिमा कम नहीं रहे, कम नहीं मिलेगा। इतना महिमा, इतना वैशिष्ट प्रभुपाद जी का अंदर है। इसलिए ऐसे महान, ऐसे दिव्य महापुरुष का जीवन चरित्र, उनका कथा सच सुनना, स्मरण करना मानव जन्म का एक सफलता है। इसलिए आज वही विशेष तिथि है, तिरुभाव तिथि है। तिरुभाव ये मत अर्थ नहीं है कि मर गया, अंतर्ध्यान हो गया, अब नहीं है। तिरुभाव मतलब भगवान कृष्ण की इच्छा से इस संसार में प्रकट हुआ, भगवान की इच्छा से अप्रकट भी हुआ, नित्य विराजमान है अपने मूर्ति के रूप में, अपने वाणी के रूप में, अपने समाधि के रूप में, शिष्यों के हृदय में। और जो व्यक्ति भगवान प्रभुपाद जी के शिक्षा अनुसरण करेंगे, प्रभुपाद जी उसी व्यक्ति के दिल में विराजमान है सचमुच। और उसी व्यक्ति को बोले से प्रभुपाद जी बोलते हैं। इसलिए हमारे गुरुवर्ग नित्य है, ये मत सोचना कि गैर, आजकल भी प्रभुपाद जी के विराजमान है, उन्हीं की कृपा से सब कुछ चल रहा है अभी। ये हमेशा याद करना, ये स्मरण है। अभी गिरी महाराज जी कृपा करना, थोड़ा प्रभुपाद जी के वैशिष्ट भी कुछ हमें सुना देंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्तस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तलालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तपोवताय नमो नमः। वन्देऽहं श्रीगुरुवरं श्रीरूपानं ब्रह्मं ब्रजरसिकं च नारायणं तं नमामि। श्रीगुरुचरणं वन्दे रमणनिष्ठाय भूतले रूपानं भक्तिं च कृपामूर्ति नमो विष्णुपादाय कृष्णभ्रष्टाय भूतले श्रीमद्भक्ति सिद्धां सरस्वती नामे श्री वर्षावनामि देवी दयिताय कृपाप्तये कृष्ण संबंध विज्ञानदायिने प्रभुये नमः। भादुरोत्सव प्रेमाद्य श्रीरूपानुभव भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनताये रूपानुभव विरताप सिद्धांत दान्ताये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर जय रूप सनातन भक्तरघुनाथ श्री जीव गोपाल भक्तदास रघुनाथ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सबसे पहले मैं अपने स्मरणीय गुरुपाद पद्मा प्लाव विष्णु विष्णुपाद श्रीमद भक्तवेदांत श्री नारायण साई महाराज जी चरणकमलों में अपने असंख्य धन्यवाद प्रणाम विज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात अभिन्न गुरुपाद पद्मा प्लाव विष्णु श्रीमद भक्तवेदांत अंग साई महाराज हमारे रूपान कवय गुरुवर्ग, विशेष करके भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वामी ठाकुर के अभय रातुल चरणार में अपने संग धन्यवाद प्रणाम विज्ञापन करता हूँ। तो अभी हम सुने श्रीपाद गिरिधारी महाराज जी से बहुत सुंदर रूप से उन्होंने व्याख्या की कि प्रभुपाद की जीवनी के वशिष्ट के बारे में, उनके चरित्र के वशिष्ट के बारे में। महाराज जी कह रहे थे कि यदि प्रभुपाद नहीं होते तो हम कोई भी नहीं यहाँ बैठे नहीं होते, सभी लोग इधर उधर भटकते रहते। इनके विशेष अवधान की वजह से ही हम यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि संसार में जगत में जो भी प्रचार हुआ है, जिस किसी भी शिष्य ने भी प्रचार किया है प्रभुपाद के, वो सब उन्हीं के शरणाश्रित थे, उन्हीं से ही प्रेरणा पाकर उन्होंने पूरे संसार में प्रचार किया। जैसे महाराज जी कह रहे थे इस्कॉन के जो संस्थापक है स्वामी महाराज जी, वो 1922 में प्रभुपाद जी से मिले, 1922 से मिले और सर प्रभुपाद जी ने कहा उनसे कि आप तो नवयुवक है,
आप हमारे देश के भविष्य हैं, तो आप हमारा थोड़ा सहानुभूति करो, हमारा जो प्रीचिंग मिशन है इसके थोड़ा सहायता करो आप। तो उसी समय स्वामी महाराज जी, बस 2 मिनट का दर्शन था उनका प्रभुपाद के साथ, 5-6 मिनट का दर्शन बस, उससे ज्यादा नहीं हमारे जो प्रभुपाद है। और फिर उस 5 मिनट के दर्शन के प्रभाव से फिर 10-12 साल बाद उनका तो संपर्क था गौड़िया मठ के साथ हर समय, और 10-12 साल बाद उन्होंने प्रभुपाद जी से दीक्षा लिया। और फिर प्रभुपाद जी ने उनसे कहा था कि यदि तुम्हें कुछ आर्थिक अनुकूलता हो तो ग्रंथों का प्रकाशन करो, ग्रंथों का प्रकाशन करो, ग्रंथों का वितरण करो। तो स्वामी महाराज जी सोच रहे थे तभी से कि मेरे गुरु महाराज जी का मनोविश मैं कैसे पूर्ण करूं। तो उसी समय 30 साल तक अपने मन में ही सोचते रहे इसको पूर्ण करना है, करना है। और 30 साल बाद विदेश गए, और जब विदेश भी गए तो स्वामी महाराज जी ने क्या कहा, उन्होंने अपने सभी शिष्यों से उन्होंने कहा कि अब जो भी आप बैठे हुए हैं मेरे गुरु महाराज जी ने आप सबको भेजा है, मैंने अपने शक्ति से आपको एकत्रित नहीं किया, अपने गुरु महाराज जी ने, मेरे गुरु महाराज जी ने आप सबको यहाँ एक एक करके भेजा है, ऐसा हमारे स्वामी प्रभुपाद कह देते हैं। और हमारे परम गुरु जी श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी, वो तो प्रभुपाद के विरह में इतना आतुर होते थे, इतना भावविष्ट होते थे कि प्रभुपाद का नाम उच्चारण भी नहीं कर सकते थे, बस प्रभु बोलकर रोने लगते थे, फूट फूट कर रोने लगते थे। प्रभुपाद का नाम उच्चारण भी करने की भी क्षमता नहीं थी उनके अंदर, इतना विरह जब प्रभुपाद जी की समाधि में जा रहे थे मायापुर में। और जब परम गुरु जी हमारे प्रभुपाद के प्रति कोई यदि किंचित रूप से भी कोई कटाक्ष करता, कोई कहता कि ये क्या कह रहे प्रभुपाद, तो परम गुरु जी सिंह की तरह गर्जन करके उनका जो भी ये था अपसिद्ध धाम था उसको काट डालते थे उसका। जैसे कुछ लोग कहते थे कि प्रभुपाद जो प्रचार करते थे जो हरिभक्ति, वो विधि मार्ग के अनुसार है, रागानुगम मार्ग के अनुसार नहीं। तो सर परम गुरु जी ने एक एक करके जो भी उन्होंने आर्ग्यूमेंट डाला था उन सब एक एक करके अपना जो ये है पत्रिका में छापा था। और जब पत्रिका में छापा था तो जो विपक्ष का जो दल है, जो विपक्ष के थे, वो फिर कोर्ट केस डाल दिया परम गुरु जी के ऊपर कि आप कौन होते हैं हमारे ऊपर ऐसा गाली देने के लिए। तो समय परम गुरु जी ने कहा ठीक है चलो कोर्ट में जाएंगे और मैं साबित करूंगा कि मैंने जो गुरु महाराज जी ने कहा अक्षरतः एक एक अक्षर सत्य नहीं परम सत्य है, और कृष्ण की जो वाक्य है उससे अभिन्न है, क्योंकि जो कृष्ण का जो भक्त होता है शुद्ध भक्त प्रेमी भक्त, वो जो भी कहता है कृष्ण खुद उनके हृदय में विराजमान होते हुए प्रेरण करते हैं, और उसी प्रेरणा की वजह से ही वो भगवत कथा कहते हैं। क्योंकि हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा साक्षात धरित्र समस्त शास्त्र तस्तथा भाव्यतः सत्य किंतु प्रभु या प्रिय तस्य अंधे गुरु श्री चरणारविंद। जो श्री गुरु है वो साक्षात हरि है, हरि विषय विग्रह है, विषय विग्रह माने भगवान हमारे सेवा को ग्रहण करते हैं। और जब भगवान इस संसार में अवतरित होते हैं तो आश्रय विग्रह के रूप में जो भी दूसरे लोग हैं सभी लोगों को सिखाते हैं कि विषय विग्रह भगवान की सेवा किस प्रकार से करना है। तो इस तरह हमारे प्रभुपाद उसी आश्रय विग्रह के अन्यतम थे। तो महाराज जी कह रहे थे कि प्रभुपाद कितने गौड़े मठ कितने मंदिर स्थापन की पूरे संसार में, जैसे हम भी आए हमारे शहर में भी एक गौड़े मठ था, महाराज जी भी थे वहां एक सदस्य थे उस मंदिर में, महाराज जी थे हमारे कई सन्यासी भी थे वैखानस महाराज मुनि महाराज, ये सब लोग प्रतिदिन जाकर सभी सड़कों में बैंगलोर में जाकर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, वितरण करते थे। वो चाहे तो सभी जगह जाते थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, महाप्रसाद बांटते थे, और हर रविवार को उनके जो प्रचार केंद्र था वहाँ कथा कीर्तन करते थे। और हम सब लोग उस समय 18 साल के थे, 17-18 साल के, 19 साल के, तो इन सब लोगों को देखकर हम कितने उत्साहित हुए कि इनका जो आदर्श है कितना अच्छा है, इनका आदर्श सब त्याग करके गेरुआ वसन पहन करके गेरुआ वसन पहने सभी को निस्वार्थ भाव से कथा कीर्तन सुना रहे हैं, निस्वार्थ भाव से प्रसाद सेवन करा रहे हैं। तो इनका आदर्श देखकर हम भी फिर धीरे धीरे मठ में आना जाना हो रहा, और मठ में आना जाना करते थे मठ घर से, फिर इनसे पुस्तक भी लेते थे। जैसे हमारे प्रभुपाद ने कितने पुस्तक
प्रकाशन की उन्होंने, जैसे भक्तिवेदांत ठाकुर की, फिर उनके जो पूर्व गुरुवर्ग हैं तो उनसे किताब लेते थे दिन प्रतिदिन, और किताब लेकर जो भी पढ़ते थे उनसे जाकर प्रश्न पूछते थे तो फिर हमें उत्तर भी देते थे। तो इसी तरह ये जो सभी वैष्णव थे ये प्रभुपाद के प्रतिनिधि थे, और प्रभुपाद के प्रतिनिधि होते हुए हम एक कदम, एक छोटी सी कदम और एक छोटी सी कदम आगे बढ़ते 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 अभी वृंदावन में साधुओं के संग में। तो इसका मूल स्रोत कौन है, उसका उद्गम स्थल कौन है, इसकी मूल उद्गम स्थली कौन है, प्रभुपाद है। बिना प्रभुपाद के हम कोई भी यहाँ बैठे नहीं होते। और प्रभुपाद जी जब प्रकट हुए तो कितने असाधारण रूप में प्रकट हुए, अद्भुत रूप में प्रकट हुए। किस प्रकार प्रकट हुए, उस समय रथ यात्रा जब प्रभुपाद प्रकट हुए उनका जब अन्न प्रशन संस्कार होने वाला था तो उस समय जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जा रही थी उनके घर के सामने, और तभी से भक्तिवेदांत ठाकुर ने जान लिया कि ये जो मेरा सुपुत्र है, ये जो मेरा लड़का है, ये कोई साधारण लड़का नहीं है। कि जब वो पैदा हुए तो वो उपवित जैसे ही चिन्ह थे उनके ऊपर, हम जो उपवित पहनते हैं ना ब्राह्मण लोग, ऐसे ही चिन्ह थे, द्वादश तिलक थे उनके शरीर के ऊपर, तिलक के चिन्ह जैसे थे, वहां तिलक नहीं थे चिन्ह जैसे। तो उस समय भक्तिवेदांत ठाकुर ने भगवती देवी जो प्रभुपाद की जो माँ थी उनसे कहा कि ये जो लड़का है कोई अद्भुत लड़का है, साधारण लड़का नहीं है। तो उसी समय से प्रभुपाद वो जो रथ यात्रा का समय था उसी का प्रतीक्षा करते थे। तो उस समय जब वो रथ यात्रा गुजर रहा था उनके सड़क पे ग्रैंड रोड में, तो उनके घर के सामने ही 3-4 दिन वही रहा वो ठहरा रहा। और फिर पांडव लोग अनेक प्रकार से उस रथ को खींचने के लिए कोशिश की, हाथियों को बुलाया, हाथी भी कुछ नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं। तो उस समय भक्तिवेदांत ठाकुर अपना छोटा सा लड़का लेकर आया, और छोटा सा लड़का लेकर आया और जगन्नाथ जी के सामने ऐसा सौंपा, और जब जगन्नाथ जी के सामने ऐसा सौंपा तो जगन्नाथ जी का जो प्रसादी माला है वो उनके ऊपर गिर पड़ा बहुत धीरे धीरे से। और उस समय जगन्नाथ जी का जो महाप्रसाद है उसी महाप्रसाद से उनका पहला अन्न संस्कार हुआ, अन्न प्राशन संस्कार हुआ। महाप्रसाद उन्होंने पहले खाया ही महाप्रसाद कुछ नहीं, और तभी से प्रभुपाद हर समय उनके पिताजी के साथ ही रहे, को कभी नहीं छोड़ते। जब भी भक्तिवेदांत ठाकुर भाषण देते थे अनेक स्थलियों में, चेतन चेतामृत भक्तिरसामृत सिंधु गीता भागवत के ऊपर, तो प्रभुपाद हर समय शिशु अवस्था से ही उनके हाथ पकड़ कर हर जगह जाते थे और भक्तिवेदांत ठाकुर की कथा सुनते थे। और प्रभुपाद एकदम निर्भीक प्रचारक, इस संसार में निर्भीक प्रचारक को मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस संसार में देखते हैं कि यदि कोई प्रचार करता है तो लोग जो बैठे हुए हैं उनके मन के अनुकूल प्रचार करता है, वो कभी निर्भीक सत्य नहीं बोल सकता है वो, क्योंकि बोलेगा तो कोई सुनेगा नहीं और फिर प्रचार कैसे चलेगा। फिर तो कभी थोड़ा थोड़ा ये बोलना पड़ता है उनके मन के अनुकूल, ठीक है ये करो वो करो। जैसे हमारे एक प्रचारक एक बार कहते थे कि यदि कोई लड़की आती है, लड़की कहती है मेरी शादी नहीं हो रही है, तो कहो ठीक है हरे कृष्ण महामंत्र करो, महामंत्र करो शादी मिलेगा, तो बढ़िया पति मिलेगा, ऐसा प्रचार करना पड़ता है कलयुग में, उनके मन के अनुकूल बोलना पड़ता है। लेकिन प्रभुपाद वो ऐसा कभी नहीं थे, निर्भीक थे, वो किसी की भी परवाह नहीं करते थे। जैसे एक बार सुभाष चंद्र बोस भी आए, अब तो सुभाष चंद्र बोस जानते हैं ना, वो तो गांधी से भी बढ़ चढ़ कर हमारे एक फ्रीडम फाइटर थे। अभी तो जब सुभाष चंद्र बोस आए प्रभुपाद के पास, उन्होंने कहा कि आपके पास जो भी ब्रह्मचारी है मुझे ये सब ब्रह्मचारी चाहिए, क्योंकि मेरी जो सेना है हम अंग्रेजों के साथ लड़ाई करेंगे, ये सब ब्रह्मचारी चाहिए। तो प्रभुपाद ने कहा भाई तू अंग्रेजों के साथ क्यों लड़ाई कर रहा है, तो फिर सुभाष चंद्र बोस ने समझा ये। लेकिन प्रभुपाद ने कहा ऐसा नहीं कि हमारा देश पराधीन है, एक तरह से तुम भी पराधीन हो, क्यों, क्योंकि तुम माया के जो कारागार है उसमें तुम एक बंदी बने हो, तुम इसे बंधे हुए माया के कारागार में, तो किस तरह से तुम स्वतंत्र हो, फिर किसी तरह से भी तुम स्वतंत्र नहीं हो। और यदि तुम अंग्रेजों के साथ लड़ाई करोगे तो उसका परिणाम क्या होगा, क्योंकि गीता में कृष्ण ने क्या कहा है, यम यम वापि स्वरम भावम त्याजी अंते कलेवरम तम तमय वेति कौन्तेया सदा तद भाव भाविता। माने अंतिम क्षण में, अंतिम काल में जो भी हमारे मन में आएगा उसी भावनाओं के अनुसार ही हमारा अगला जन्म होगा। तो यदि तुम अंग्रेजों के बारे में सोचते सोचते मर जाओगे तो अगले जन्म में तुम्हारा जन्म कहाँ होगा, फिर कहाँ होगा, अंग्रेजों के साथ ही होगा, ऐसा मत सोचो तुम। तो
तुम ऐसा सोचो कि ये जो लोग है इनकी उपकार कैसे हो, उनका परम कल्याण कैसे हो। प्रभुपाद कहते थे कि यदि एक व्यक्ति भी यदि हम उसको हरि उन्मुख कर सकते हैं तो चाहे लाखों लाखों अस्पताल भी खोले इसके बराबर नहीं हो सकता है। क्योंकि हॉस्पिटल खोलने से भी एक आदमी की जो दुर्बुद्धि है उसको कैसे बदल सकते हैं हम। यदि एक आदमी कोई डाकू है वो हॉस्पिटल जाएगा और उसको ठीक कर जाए और वो अगले दिन फिर लोगों को मारने लगेगा तो उसका क्या इलाज हुआ? कुछ इलाज ही हुआ ही नहीं उसकी। तो सच्चा इलाज क्या है, पूर्ण इलाज क्या है? वो है भगवान को, भगवान के प्रति सभी को उन्मुख करना। तो प्रभुपाद इसलिए गौड़िया मठ स्थापन किए हुए हैं। कहते थे कि ये चैतन्य महाप्रभु का प्रचार केंद्र है, यहाँ हम गौरवाणी का प्रचार करेंगे। ये गौरवाणी किस तरह की है? ये गौरवाणी के लिए तो नित्यानंद प्रभु उनको मार दिया एक बार, नित्यानंद प्रभु को मार खाना पड़ा उनको। नित्यानंद प्रभु जब दो भाई थे दुष्ट जगाई मधाई उनके पास गए तो जगाई मधाई ने उनको मार दिया, सिर के ऊपर कूर पहनने लगा, फिर भी उन्होंने प्रचार किया हरि नाम को हरि नाम को। मंगल में एक कहावत है, मेरे श्री खोल शिव खाना आई बोले की प्रेम बोला, माने तुम मेरे सिर को फाड़ दिया फिर क्या मैं तुम्हें प्रेम नहीं दूंगा, प्रेम प्रदान नहीं करूंगा, ऐसे कभी मत सोचो, फिर प्रेम प्रदान की। तो इस तरह प्रभुपाद उनके प्रचारकों को कहते थे कि देखो यदि तुम्हें भी प्रचार करना है तो इनका आदर्श, ये जो नित्यानंद प्रभु है इसका आपको अनुसरण करना पड़ेगा। क्योंकि जब प्रचार करोगे जब लोग क्या क्या गंदी गंदी बातें बोलेंगे, मारने के लिए भी आएंगे। जैसा मेरा एक दोस्त है यहाँ वृंदावन में, वो कह रहा था कि वो दिल्ली में भगवद्गीता बांट रहा था और कोई एक आदमी आकर कितना मारा उसको, मार मार कर कितना गाली दिया उसको, फिर भी वो इतना दीनहीन था कि वो मारने के लिए भी नहीं गया। फिर वो सोचा ये मेरा कर्म है, बस इसको मैंने अपने पूर्व जन्म में मारा, अभी आकर मुझे मारना है। और फिर अभी भी वो प्रचार कर रहा है, अभी भी वो गीता बांट रहा है सभी जगह जाकर, वृंदावन में, दिल्ली में, जिस भी शहर में जाकर। तो इस तरह प्रभुपाद कहते थे उनको प्रचारकों को, देखो बहुत सहन करना होता है लोगों की। और प्रभुपाद के विरोध में ही कितने लोग क्या क्या कहा उनके विरोध में, क्योंकि जब प्रभुपाद अपना प्रचार आरंभ की तो बहुत सारे नवयुवक लोग उनके प्रचार में योगदान देने लगे। तो इस तरह से बहुत सारे लोग विरोधी बन गए उनके। माता पिता जाकर उनसे कहते थे कि आप क्या कर रहे हो, आप ये जो लड़के हैं कितने समर्थ है, कितना समर्थवान है, ये सभी इनके अंदर कितना समर्थ है और आप इन सबको भिक्षुक बना रहे हो, लाल कपड़ा गेरुआ वसन देकर उनका मुंडन करा के भिक्षुक बना रहे हो, घर घर जाकर ये भिक्षा कर रहे हैं, घर घर जाकर। जैसे हमारे जो परम गुरु जी थे प्रभुपाद उनको एक डिब्बा दे देते हैं और डिब्बा के ऊपर एक छेद होता था और उस छेद में हमारे परम गुरु जी रेलवे स्टेशन जाते थे हावड़ा में और एक एक व्यक्ति के पास जाकर कहते थे कि देखो एक पैसा दो मुझे, बस एक पैसा के ऊपर मत दो, बस एक ही पैसा दो। और इस तरह कलेक्शन करते थे एक पैसा करके करके। और एक बार वो पेड़ के नीचे लेटे हुए थे, वो डिब्बा को तकिए की तरह सिर के नीचे रखकर सो रहे थे। तो सब प्रभुपाद कहीं जा रहे थे अपने सेवक के साथ और प्रभुपाद इनको देखकर रोने लगे कि ये देखो जमींदार के लड़के हैं, कितने अच्छे परिवार के हैं, फिर भी देखो ये भिक्षा कर रहे हैं, घर घर जाकर लोगों की गाली खाकर भिक्षा कर रहे हैं। तो इस तरह जब प्रभुपाद बहुत सारे लोग जुड़ गए तो माता पिता कह रहे थे कि क्या कर रहे हो, फिर प्रभुपाद ने कहा आप अभी नहीं समझोगे, आप समझ रहे हो कि मैं आपका अपकार कर रहा हूँ, उपकार नहीं, मैं आपको विरुद्ध खड़ा हूँ, लेकिन ऐसा कभी मत सोचो। जब मैं चले जाऊंगा इस संसार से तब आप सभी लोग सोचेंगे कि मैंने कितना महान उपकार किया आपका, बस उपकार नहीं, अभी नहीं पता नहीं चाहिए। इसी तरह प्रभुपाद जब प्रचार करते बहुत प्रखंड विद्वान भी, जैसे एक विद्वान थे उनका नाम था गोपेंदु भट्टाचार्य, उस समय बंगाल के, क्योंकि बंगाल बहुत मेधावी जगह था, बंगाल से ही सभी मेधावी लोग आए। तो उस समय ये गोपेंदु भट्टाचार्य जब उनके विरुद्ध बहुत बोलते थे प्रभुपाद के विरुद्ध, लेकिन जब प्रभुपाद अप्रकट हो गए, जब प्रभुपाद ने इस संसार को छोड़ा, तो उस समय एक विरह सभा थी नवद्वीप में, देवानंद गौड़िया मठ में एक विरह सभा की आयोजन की गई। तो उस समय गोपेंदु भट्टाचार्य भी आए वहां, उस विरह सभा के सदस्य थे। तो उस समय सभी लोगों को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गए, अरे ये क्या, ये तो विरोधी दल के, ये तो विपक्ष थे प्रभुपाद, कितना विरोध का, और ये अभी प्रभुपाद की गुणगान करने के लिए बैठे हुए हैं। तो सभी लोग उनके प्रति देखने लगे। तो फिर गोपेंदु भट्टाचार्य रो रो कर कह रहे थे कि देखो जब प्रभुपाद ऐसा महान आदमी, ऐसा महापुरुष हमारे आंखों के समक्ष, हमारे आंखों के सामने प्रस्तुत थे, तब उसकी उनकी किसी प्रकार की गिनती नहीं की हमने, और अभी जब चले गए हमें अभी पता चल रहा है कि कितना महान पुरुष है, किस तरह संसार में बदलाव ला लिया उन्होंने।
उन्होंने दैवी वर्णाश्रम धर्म की स्थापन की। उन्होंने दैवी वर्णाश्रम धर्म माने क्या, चतुर्वर्ण माया सिस्टम गुण कर्म विभाग शा, माने एक एक आदमी का जो प्रवृत्तियां है उसी प्रवृत्तियों के अनुसार ही उसकी ये जो जाति है जाति का प्रकरण होगा। इसे संसार में हम देखते हैं कि कोई एक आदमी ब्राह्मण जाति में जन्म लिया है कहीं, लेकिन उसके ब्राह्मण का कुछ गुण ही नहीं है, मांस खाता है दारू पीता है, उसको ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण नहीं उसको चतुर्वेदी कहते हैं, त्रिवेदी कहते हैं, कहता भाई मैं त्रिवेदी हूँ और क्या करता है लूट मार करता है, तो ऐसा थोड़ी ब्राह्मण बनता है। प्रभुपाद कहता है ऐसा नहीं, ब्राह्मण जो जिनके अंदर जो ब्राह्मणता है वैष्णवता है वही ब्राह्मण है। जैसे प्रभुपाद एक उदाहरण देते थे, एक लड़का था छोटा सा लड़का, वो गौतम ऋषि के गुरुकुल में जाता था, और एक बार गौतम ऋषि ने सभी लड़कों से पूछा कि आपके माता पिता कौन है और आपका गोत्र क्या है, तो फिर सभी लड़के ने कहा ब्राह्मण जाति के। ये जो लड़का सामने बैठा था, गौतम ऋषि ने उससे पूछा भाई तुम्हारे पिताजी कौन है, तो वह कहा ठीक है मैं अपनी मैया से पूछ रहा हूँ। तो अपने माँ के पास गया और कहा अरे मैया मेरे पिताजी कौन है, तो उसकी मैया ने कहा देखो भाई मैं वैश्य आती हूँ, मैं अपने शरीर को बेच दी थी बहुत सारे पुरुषों के पास, मुझे पता नहीं तुम्हारे पिताजी कौन है। तो ये लड़का जाकर ऐसे खुलम खुला गौतम ऋषि के पास कह दिया सबके सामने कि मेरे पिताजी कौन है मुझे पता नहीं, मेरी माँ वैश्या थी इसे मुझे पता नहीं। फिर गौतम ऋषि उसको ऐसा गंभीर रूप से देखकर कहा कि भाई तू सच्चा ब्राह्मण है, तू खुलम खुला सबके सामने सच बोल दिया, किसी की परवाह नहीं किया, तू सच्चा ब्राह्मण मेरे सामने बैठो तुम्हें ही मैं पाठ करूंगा। तो प्रभुपाद ऐसा कहते थे, और जब प्रभुपाद दीक्षा देने लगे सभी को ये जनेऊ देने लगे, तो काशी के ही एक आदमी था जो एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल था, वो बहुत विरोध किया प्रभुपाद का, वो कहा ये क्या बात है शूद्र लोगों को चांडाल लोगों को दीक्षा देना, ये किस शास्त्र में लिखा हुआ है। तो उस समय प्रभुपाद कुछ भी नहीं कहे, लेकिन प्रभुपाद के 3-4 शिष्य थे, जैसे बुजवाद भक्ति देवी मालव महाराज, भक्ति हराई पम महाराज, ऐसा वो सब जाकर काशी में उस प्रिंसिपल को समझाया शास्त्रों के अनुसार कि क्या सच है और क्या असच है, क्या झूठ है। और उसको सुनते सुनते ही वो जो प्रिंसिपल है वो इतना प्रभावित हो गया कि वो बेहोश होकर गिर पड़ा, ऐसा कभी सुना ही नहीं वो शास्त्र का विचार। तो इस तरह प्रभुपाद इस तरह नींव बांधा उन्होंने, इस तरह प्रचार की उन्होंने, घर घर जाकर, जैसे अभी कीर्तन करते थे गौड़िया पठाओ घरे घरे, उनके एक गौड़िया मैगजीन था पत्रिका, घर घर जाकर बांटते थे। एक बार मदन मोहन मालविया जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो ये है ना संस्थापक, एक बार वो प्रभुपाद के पास आए और उन्होंने प्रभुपाद से कहा ये कैसे संभव है, हर दिन आप छाप रहे हो एक पत्रिका, हर दिन आप न्यूज़पेपर छाप रहे हो महाप्रभु के वाणी के बारे में, उनके उपदेशों के बारे में, ये कैसे संभव है। तो प्रभुपाद ने कहा अरे मैं जो प्रचार कर रहा हूँ ये अप्राकृत जगत है, परमार्थिक जगत है, और ये जो परमार्थिक जगत है ये जो भगवान की सृष्टि है उसमें ये 75% है, और ये जो जड़ जगत है ये कुछ भी नहीं है भगवान के परमार्थिक जगत के सामने, बहुत तुच्छ है। यदि जड़ जगत में एक एक न्यूज पेपर हर रोज छापता है तो परमार्थिक जगत में हर क्षण यदि हम छापेंगे भी तो फिर भी हम परमार्थिक जगत का अच्छी तरह से विश्लेषण नहीं कर पाएंगे। तो सर मदन मालवीय बहुत सुना उनकी कथा और बहुत प्रभावित भी हुए। मदन मोहन मालवीय ने उनके दैवी वर्णाश्रम के बारे में बहुत प्रश्न भी पूछा, प्रभुपाद ने खूब उत्तर भी दिया। रविंद्रनाथ टैगोर जो हमारा नेशनल एंथम लिखा उन्होंने भी प्रभुपाद से एक बार मिला और प्रभुपाद से मिलकर कहे यदि आप खुद विदेशों में जाएंगे जर्मनी जाएंगे इंग्लैंड जाएंगे तो वहां के लोग सभी बदल जाएंगे। रविंद्रनाथ टैगोर भी इतना प्रभावित हुए, कितने लोग अनगिनत लोग प्रभावित हुए, अब अमेरिका की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लोग भी कितने लोग आते थे वहां उनकी कथा सुनने के लिए। इस तरह तो प्रभुपाद की अनेक कथाएं अनेक गुणगान हैं, फिर भी हमें इस चीज की विशेष रूप से ध्यान रखना है कि प्रभुपाद उनकी जो प्रतिनिधियां है, यद्यपि प्रभुपाद हमारे सामने प्रस्तुत नहीं है तो हमें कभी ऐसा नहीं सोचना है कि प्रभुपाद अभी जैसे साधारण रूप में अपने शरीर छोड़ते, ऐसे महाराज जी कह रहे थे, ऐसे कभी नहीं सोचना, हर समय सोचना है कि प्रभुपाद प्रत्येक क्षण हमारे सामने है। क्योंकि यदि संसार में एक शुद्ध भक्त नहीं होते तो संसार का कब पतन हो जाता, कब का पतन हो जाता, अभी संसार जीवित भी नहीं रहता। तो इस संसार में हमें कभी ऐसा नहीं सोचना है कि शुद्ध भक्त लोग नहीं रहते, शुद्ध भक्त हमेशा रहते हैं और शुद्ध भक्त के प्रतिनिधियां भी रहते हैं इस संसार में, और बिना उनकी हम कहां रहते हैं, या बिना में बैठे भी नहीं रहते। तो इसलिए हम यहाँ बैठे हुए हैं इस मंदिर में, और हमारे ज्येष्ठ गुरुवर्ग हैं, गुरुवर्ग के प्रतिनिधियां हैं, महाराज जी हैं, तो उनके हम बहुत आभारी हैं, उनके बहुत आभारी हैं। तो इस तरह हम उनके प्रति हमारे आभार प्रकट करते हुए
उनसे यही प्रार्थना करनी है कि हर समय वो हमें यही विशेष वरदान प्रदान करे कि हर समय उनके सानिध्य में ही हमें रखे, चाहे जितना भी दुर्गुण हो हमारे अंदर, अवगुण हो, उसको न परख के और हर समय उनके पास ही रखे। जैसे तो ठाकुर ने कहा अदोष दर्शी प्रभु पतित उद्धार, उन्होंने कहा वैष्णव ठाकुर तुम किसी भी दोष को नहीं देते फिर भी तुम पतित को उद्धार। तो वैष्णव के प्रति यही हमारी हृदगत मनोभावना होनी चाहिए, वो कभी हम उनके चरण कमलों से हमें दूर नहीं करें, हर समय उनके पास ही रखें। तभी महाराज जी कह रहे हैं कि आरती हो तो उपाध्या, तो आरती हम सब लोग प्रस्तुत होना चाहिए, पुष्पांजलि अर्पण करनी। तो ये कहता हूँ अपने भक्त लोगों को, विभा सिंधु विचार।